नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात गैर कानूनी हथियार बनाने के लिए मशहूर धरती की। बाहुबलियों की धमक के बीच पर अगड़े पिछड़े की जंग में सियासी तापमान मापने वाले तमाम पैमाने टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। 24 के सियासी चौसर में बाहुबलियों की सियासी एंट्री ने भी इस सीट को देश की हॉट सीट में शुमार कर दिया है। एक नजर बिहार के बाहुबलियों की धरती मुंगेर की महाभारत पर। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट की लड़ाई कुर्मी और भूमिहार की जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है। कहने के लिए चुनावी बिसात जीडीयू बनाम आरजेडी की है, लेकिन दोनों खेमे में भूमिहार और कुर्मी समाज के बाहुबलियों की पर्दे के पीछे से एंट्री ने सियासत को जंग में बदल दिया। भूमिहार बहुल मुंगेर में विरोधियों के हौसले ध्वस्त करने के लिए तीर कमान थामे जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह, तो दूसरी तरफ एमवाई फॉर्मूले के साथ पिछड़ों की लामबंदी की रोशनी फैला रही लालटेन की कुमारी अनीता। बिहार का कौन आदमी है जो लालटेन युग में वापस जाना चाहेगा? लाल कह रहे हैं एक तीर से दस लालटेन। लालू जी और रावड़ी जी का राज नहीं देखा है क्या? ताल के क्षेत्र के लोगों ने 4 बजे 5 बजे शाम के बाद कोई बाजार से गांव लौट सकता था क्या? डर से उसका हालत खराब रहता था कि कब कौन कहां लूट लेगा, कौन कहां किसकी हत्या कर देगा। आज नीतीश कुमार जी के इस कानून के राज में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी लोग बाजार से गांव लौट आते हैं, पटना जाना हो पटना चले जाते हैं, किसी शहर में जाना हो चले जाते हैं, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। यही नीतीश कुमार जी के कानून का राज है जो उन्होंने बिहार में स्थापित किया है। पहले तो मूलभूत सुविधाएं तक भी से वंचित है यहाँ के वासी। इस क्षेत्र के वासी जो है वो मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित है, तो उस पर हमारा सबसे पहले फोकस होगा। उसके बाद विकास और महिलाओं की, बुजुर्गों की, सभी के लिए मैं काम कर रही हूँ। कुमारी अनीता चर्चित वेब सीरीज खाकी के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी। 2 दशक पहले अगड़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अशोक महतो की पहचान पिछड़ों के रॉबिन हुड की। 17 साल जेल काटने के बाद महतो ने गोली बम की जगह राजनीति से पिछड़ों की आवाज बुलंद करने के लिए इनडायरेक्ट ताल ठोकी। कानूनन रिटायर्ड हर्ट महतो सियासी पिच में खुद नहीं उतर सके तो चुनावी मौसम में शादी रचाकर धर्म पत्नी को उतार दिया। अच्छा समर्थन है, सब लोग गरीब गुरबा हमारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन के सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग साथ हैं एकमुश्त एकदम। प्राथमिकता क्या होगी सर? विकास प्राथमिकता होगी, विकास ही मुद्दा होगा। जो विकास जो 10 वर्ष में नहीं हुआ वो विकास अधूरे काम को जब्त हो जाएगा। तो जमानत जब्त किसका होगा? चुनौती चुनाव के लिए तो अंतिम दिन तक चुनौती रहता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो इस टाल क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है वो काम अद्भुत है। अपने आप में एक उदाहरण है, ये वो टाल का इलाका है जहां एक सड़क नहीं था। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भूमिहार और सवर्ण बाहुल्य वाली सीट पर कोयरी कुर्मी का कॉकटेल जेडीयू की जीत का फॉर्मूला रहा है। मुंगेर के जातीय बिसात पर एनडीए के पक्ष में सवर्ण पासवान के साथ कुर्मी, कुशवाहा और धानुक बिरादरी ललन सिंह की ताकत रही। वहीं आरजेडी के एमवाई समीकरण के साथ कुर्मी और धानु की गोलबंदी के सूत्रधार बने बाहुबली अशोक महतो ने एनडीए के समीकरण को बिगाड़ दिया। पिछड़ी जाति के बाहुबली अशोक महतो की अगड़ों के खिलाफ संघर्ष के किस्से गोही ने ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी। जातीय संघर्ष में तब्दील मुंगेर के महाभारत में बाहुबली आनंद सिंह की इनडायरेक्ट एंट्री से चुनाव में ट्विस्ट आ गया। एक खास टाइमिंग में आनंद सिंह के पैरोल पर बाहर आना आरजेडी के एमवाई समीकरण की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बाहुबली आनंद सिंह राजनीति में ललन सिंह की उंगली पकड़कर नीतीश के खास बने।
लेकिन 2019 में चेले ने राजनीतिक गुरु ललन सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। पत्नी नीलम देवी चुनाव हार गई और बाहुबली गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में सलाखों के पीछे। लेकिन 2023 में संकट की घड़ी में आरजेडी से विधायक नीलम देवी जेडीयू का साथ देकर पति की घर वापसी करा दी। काहे नहीं जीते नरेंद्र मोदी ने काम किया आपको नहीं जाना रहा है। इतना काम किया नरेंद्र मोदी के जीतेगा। हाँ ललन सिंह खुद काम किए हैं क्षेत्र में बड़ी। इस बार देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा। आपके बनेगा बिहार में 40 सीट आपको लगता है एनडीए को आ जाए? ना 40 नहीं आएगा, दो तीन को कमेगा। मुंगेर की महाभारत समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना जरूरी है। मुंगेर में कुल मतदाताओं की संख्या 20,41,142 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,82,239 है, जबकि महिलाओं की आबादी 9,58,851 है। जातीय समीकरण की बात करें तो भूमिहार वर्चस्व वाली मुंगेर में सवर्ण मतदाताओं का बोलबाला है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और कायस्थ वोटर्स की संख्या लगभग 8 लाख है। इसके बाद कोयरी कुर्मियों की संख्या भी 4 लाख है। यादव वोटरों की संख्या लगभग 2 लाख है। वैश्य वोटर भी 1.5 लाख के करीब है। वही मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 90,000 है। पासवान वोटर्स की संख्या 1 लाख है। बिंद गंगोता की संख्या 1.5 लाख है। पचपौनिया वोटर्स की संख्या 1.5 लाख के करीब है। अभी टाल का समस्या था मुंगेर में, तो ललन बाबू को बुलाया गया था। वो कहे थे कि जैसे सरकारी स्तर से हमको जहाँ तक मदद मिलेगा हम करेंगे। टाल का काम खत्म हो गया और उसमें लोग लगे हुए हैं, भविष्य क्या होगा। मुद्दा तो विकास का है, विकास मोदी भी मोदी जी विकास कर रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं, नौकरी का तो एकदम गंगा बह रहे हैं। चारों ओर तो हम देख रहे हैं, शिक्षा में चिकित्सा में आयुष्मान कार्ड दिए हैं। अब देश के लिए तो राहुल जी काम करेंगे, उनके लिए हम लोग समर्पण हैं। हम लोग जनता त्रस्त है, जनता एकदम त्रस्त है, इतना कि कहने से लाचार है, बेबस है, कहना मुश्किल है। जहां आप खड़े हैं किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहां से पैदल चला जाए कैमा कुम्हरौड़ा कोंदी, आज ये जो सड़क बनी है ये करका उजरका कोई नहीं देखा था इस इलाका का आदमी। आज छत भी है और रोड भी है, मोटरसाइकिल भी है, कर रहे हैं, रिंग बांध दिए और भी कहे हैं कि इसको इलेक्शन के बाद इसके आगे भी काम किए हैं। जो अथी में सामाजिक काम, व्यक्तिगत नहीं सामाजिक काम ही करिए रहे हैं। बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास? जैसे कि गांव में बिजली हो गया, रोड हो गया, उसके बाद जमींदारी जो बांध था वो बंधा गया, वो बांधने के बाद और सब किसान को सुविधा मतलब हो गया है। समस्या सब समाप्त है, कोई समस्या नहीं है। राम राज आ गया, एकदम राममय है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में यादव और कुशवाहा की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर सामान्य वर्ग और एसटी एससी की बात करें तो उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आता है, जिसमें मौजूदा समय में 4 पर एनडीए और 2 पर महागठबंधन का कब्जा है। मुंगेर के सियासी सफरनामे के पन्नों को पलटे तो शुरुआत में सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। 1952 में पहले चुनाव में कांग्रेस के बनारसी प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। बनारसी दास के नाम मुंगेर से लगातार हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1967 में सोशलिस्ट प्रजा पार्टी के मधु लिमे ने कांग्रेस के विजय रथ पर लगाम लगाई। कांग्रेस के डीपी यादव ने 1972 में हार का बदला चुकता किया, लेकिन 5 साल बाद 1977 में हुए चुनाव में लोक दल के कृष्णा सिंह को मात दी। 1980 में डीपी यादव ने वापसी करते हुए 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस का हाथ मजबूत किया। 1989 में जनता दल के धनराज सिंह ने कांग्रेस के वर्चस्व को उखाड़ फेंका। इस हार के बाद कांग्रेस का मुंगेर से पतन होता चला गया। 1991 के चुनाव में लेफ्ट की भाकपा के ब्रह्मानंद मंडल ने लाल झंडा लहराया था। 1996 में ब्रह्मानंद मंडल ने समता पार्टी से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। 1998 के चुनाव में राजद के विजय कुमार ने पिछड़ा और MY फॉर्मूले के साथ लालटेन जलाई, लेकिन समता पार्टी के ब्रह्मानंद मंडल ने 1 साल के भीतर 1999 में हार का बदला चुकता कर लिया। 2004 के चुनाव में एक बार फिर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव लालटेन थाम संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में पहली बार जेडीयू के ललन सिंह ने जीत दर्ज कर राष्ट्रीय राजनीति में आगाज किया। हालांकि 2014 के चुनाव में बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से हार का सामना करना पड़ा।
2019 में मोदी लहर में एनडीए के रथ में सवार ललन सिंह ने जीत का परचम लहराया। पिछले कुछ चुनाव को अगर देखें तो मुंगेर की लड़ाई काफी रोचक रही है। 2014 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के सामने जो उम्मीदवार थी उनका नाम था बीना देवी, जो बाहुबली सूरजभान की पत्नी है। और दूसरी तरफ अगर 2019 की बात करें तो 2019 में ललन सिंह के सामने उम्मीदवार थी नीलम देवी, जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। और इस बार एक बार फिर से 2024 में ललन सिंह के सामने जो उम्मीदवार है अनीता देवी, वो भी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में मुंगेर की जनता किसे अपना सांसद बनाती है। मुंगेर की महाभारत में साख भले ही ललन सिंह की लगी हो, लेकिन लालू के रचे जातीय चक्रव्यूह में लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का होना है। सवर्ण बहुल सीट के बावजूद मुंगेर में अति पिछड़ा और दलित वोटों की लामबंदी किसी भी रणनीति की धज्जियां उड़ा सकती है।